नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, यदि आप भी इसी तरह से एक स्मार्ट बोर्ड लेने के लिए सोच रहे हैं, आप भी एक डिजिटल बोर्ड लेने के लिए सोच रहे हैं, जैसे यहाँ पे डिजिटल बोर्ड देख रहे हैं, कोई भी साइज का हो सकता है, 65 इंच का, 75 इंच का, 86 इंच का, तो कितना रुपया लगता है, कितना पैसा आप लोग का खर्च होगा एक डिजिटल बोर्ड लेने में, आपके पास कितना रुपया रहना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला सवाल यही रहता है टीचर्स का, सर कितना रुपया लगेगा। दूसरा सवाल रहता है, सर कहाँ से खरीदना चाहिए। तीसरा सवाल होता है, सर सबसे सस्ता कितना रुपया में मिलेगा सर। ठीक है, चौथा सवाल होता है, कितना ईयर्स का वारंटी या गारंटी होता है सर। तो सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में अच्छे तरीके से हम लोग जानने वाले हैं। साथ ही साथ कई सारे टीचर्स डिजिटल बोर्ड खरीद लिए हैं लेकिन उसको चलाना नहीं आता है, उसको सिखाया नहीं जाता है। तो डिजिटल बोर्ड ऐसे जगह से खरीदना चाहिए जहां की आपको हेल्प मिल सके, आगे चलकर कभी भी कोई प्रॉब्लम होता है तो तुरंत रिस्पॉन्स मिल सके, क्योंकि एक टीचर्स उसको टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं होता है और डिजिटल बोर्ड कहीं भी खरीद लेते हैं कुछ कम पैसों के कारण, क्योंकि 1-2 हजार रुपया कहीं कम में मिलता है, वहां खरीद लेते हैं और फंस जाते हैं। कई सारे टीचर्स लोन पे डिजिटल बोर्ड खरीदते हैं और फंस जाते हैं, उसको कुछ भी नहीं बताया जाता है। इसलिए ऐसे जगह से डिजिटल बोर्ड लीजिए जहां की बेहतरीन हो, जहां की आपको सपोर्ट मिले, हेल्प मिल सके, आगे चलकर कुछ भी आप कीजिएगा तो वो आपके हाथ मतलब कामों में हाथ बटाए, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। आप कहीं भी डिजिटल बोर्ड लेना चाहते हैं तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम है गंधर्व और हम लोग हैं क्रिएटर्स माइंड टीम से। हम लोग कई वर्षों से टीचर्स को हेल्प कर रहे हैं ऑनलाइन आने में। ठीक है, एक टीचर्स यदि ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन आना है, एक स्कूल इंस्टीट्यूट जिसको भी ऑनलाइन आना है, हम लोग सारा चीज प्रोवाइड करते हैं। एक स्मार्ट क्लास सेटअप, ये देखिए किसी का जरूरत नहीं है यहाँ पे। एक रिमोट कंट्रोल है, जैसे ही हम यहाँ पे रिमोट पे बटन पे क्लिक करते हैं, एक बटन पे ये पूरा आप स्टूडियो देख सकते हैं, इस टाइप से पूरा आपका स्टूडियो होगा। और जैसे ही फिर वन बटन पे प्रेस करते हैं, ये अपने आप जगह पे आ गया। जितना बड़ा आपका स्क्रीन है, जितना बड़ा आपका कैनवास है, उतना बड़ा स्क्रीन में आपका ये आ गया। तो ये एक रिमोट कंट्रोल कैमरा है, मतलब किसी का जरूरत नहीं। आपको अभी 9:05 में वीडियो बनाना है तो 9:05 में आप अंदर घुसिए शुरू। ऐसा नहीं मोबाइल को ऊपर नीचे करना है, कैमरा को ऊपर नीचे करना है, एक आदमी चाहिए, कोई आदमी नहीं चाहिए जनाब, एक ही रिमोट से सारा काम आपका हो जाता है। तो देखिए सर, ये जो है इसको बोलते हैं एक स्मार्ट क्लास सेटअप, डिजिटल बोर्ड फुल स्टूडियो इसी का नाम है। ठीक है, कई सारे वीडियो इस पे हम लोग बनाए हुए हैं। यदि आप भी एक स्मार्ट बोर्ड लेना चाहते हैं, आप भी अपना खुद का एक ऐप बनवाना चाहते हैं, वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, या स्मार्ट बोर्ड ले लिए हैं, कैमरा लेना चाहते हैं, कोई भी चीज करवाना है, आप एक स्कूल चलाते हैं, इंस्टीट्यूट चलाते हैं, कोचिंग चलाते हैं, या आप एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं बेझिझक। ठीक है, 9973725719। कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो इस नंबर को अपने पास जरूर नोट रखिए। कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो 100% आपको 24x7 आपको सॉल्यूशन मिलेगा। कभी भी प्रॉब्लम आता है यदि आपके पास है तो एजुकेशन वाले डोमेन में, मतलब एजुकेशन यदि आप स्कूल इंस्टीट्यूट कोई भी चीज़ चलाते हैं, इस नंबर को सेव कर लेना है आपको। किस नाम से? क्रिएटर्स माइंड, कंपनी का नाम क्या हो गया? क्रिएटर्स माइंड के नाम से। ठीक है, क्रिएटर्स माइंड के नाम से आप लोग को इस नंबर को सेव कर लेना है। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो टॉपिक है डिजिटल बोर्ड प्राइस के बारे में। देखिए, कोई भी चीज़ जो प्राइस यदि जानते हैं ना तो उसके पीछे कई सारे चीज़ें होता है, कई सारा कारण होता है। सपोज दैट आप 10th क्लास के बच्चे को पढ़ाते हैं तो बच्चे से क्या पूछते हैं? 9th पढ़े हैं कि नहीं, बच्चे से पूछते हैं ना 9th पढ़े हैं कि नहीं, क्योंकि जो 9th में पढ़ता है ना स्टूडेंट, ठीक है, लगभग 20-30%, कितना 20-30% यही चीज 10th में रहता है, इसी का एडवांस चीज थोड़ा सा आगे। यदि यहाँ पे जोड़ घटा गुना पढ़ाते हैं ना आप, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन पढ़ाते हैं, तो उसी चीज से थोड़ा सा आगे यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ डिवीजन आ जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। तो वही चीजें हैं। डिजिटल बोर्ड का प्राइस यदि हम लोग को जानना है ना दोस्त, तो उसके पहले पीछे जो है ना बहुत सारा कारण है प्राइस के ऊपर, तो वो चीज पहले हम लोग जान लेते हैं। तो प्राइस के ऊपर पहला कारण क्या है ना दोस्त? साइज। ठीक है, साइज पहला कारण क्या है? साइज। ठीक है, कौन सा साइज का आप लोग लेना चाहते हैं? तो देखिए, मार्केट की यदि बात की जाए तो मार्केट में कई सारा साइज का आ रहा है। पहला आ रहा है आपका 65 इंच, अच्छा की यदि बात की जाए, फिर आ रहा है आपका 75 इंच, फिर आपका आ रहा है 86 इंच। मार्केट में आने का 55 इंच का भी आता है और 98 इंच का भी आता है, लेकिन ये 3 साइज का ही डिजिटल बोर्ड लोग ले रहे हैं, टीचर्स ले रहे हैं, स्कूल वाले ले रहे हैं, इंस्टीट्यूट वाले ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 65 इंच किनके लिए है, 75 किनके लिए है, 86 किनके लिए, थोड़ा बेसिक हम लोग जान जाते हैं। 65 यदि आप ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन में आपका 40-50 बच्चा है एक क्लास में मैक्सिमम, तो आप जो है आराम से 65 इंच से अपना यूज कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, और आप MCQ क्वेश्चन पढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए आप 65 इंच आसानी से यूज कर सकते हैं। 75 जो कि स्टैंडर्ड साइज माना है, हर एक आदमी यदि हर एक टीचर्स 100 टीचर्स यदि डिजिटल बोर्ड अभी ले रहे हैं तो ये जो है 95 टीचर्स जो है ये 75 इंच का ही ले रहे हैं।
ये सर कितना का है आपका, आपका भी मन में ये जरूर सवाल आया होगा, ये जो सर आप डिजिटल बोर्ड में बता रहे हैं ये कितना साइज का है, ये भी दोस्त 75 इंच का है। कितना, ये भी कितना इंच का है, ये भी आपका 75 इंच का है। ठीक है, अब देखिए तो क्या आ गया, मेनली तीन साइज का डिजिटल बोर्ड आ गया। 65 पीस के लिए है, जो 40 से 50 बच्चा ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन में भी पढ़ा रहे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन वगैरह करा रहे हैं। यदि मैथ वगैरह पढ़ाना है 75 ले लीजिए। ठीक है, 86 इंच यदि आपका ऑफलाइन कोचिंग में 150-200 बच्चा से ज्यादा है, अधिक है, तो 86 इंच पे जा सकते हैं। ऑनलाइन में यदि आप प्योर मैथ पढ़ाते हैं, कोई ग्राफ वगैरह को बताते हैं, ठीक है, जैसे इंडिया का मैप बताते हैं, बिहार का मैप बनाते हैं, यूपी का कोई भी चीज का मैप वगैरह बताते हैं, तो ये क्या होना है, कैनवास आपको बड़ा चाहिए, डिस्प्ले आपको क्या चाहिए, बड़ा चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए ये चीज आपका है। ठीक है, तो समझ गए डिजिटल बोर्ड के बारे में। सबसे पहले हम लोग पहला पॉइंट हम लोग समझे साइज के बारे में। अब पहला दूसरा पॉइंट हम लोग आते हैं कंपनी, कौन सा कंपनी का सर लेंगे डिजिटल बोर्ड, ये बता दीजिए। तो आप देखिए कंपनी क्या है ना, हमेशा आगे होते रहता है। 2019 में जो डिजिटल बोर्ड लिए हैं सर लोग, उस समय में कुछ अलग कंपनी बेटर चल रहा था, फिर दूसरा में अलग कंपनी चल रहा है। आप ये देखिए ना, आप जिस शहर में पढ़ा रहे होंगे, कोई ऐसा थोड़ी है 10 साल से एक ही टीचर फेमस होंगे उस शहर में, कभी आप फेमस होंगे, कभी और कोई दूसरा टीचर फेमस होगा, कभी कोई तीसरा टीचर फेमस होगा, कभी कोई चौथा टीचर फेमस होगा। जिस हिसाब से जो लोग मेहनत करते हैं, रिजल्ट देते हैं, वो उस हिसाब से फेमस होते हैं। सेम एज इट इज कंपनी में डिजिटल बोर्ड का भी कंपनी का दोस्त यही बात है। ठीक है, फेमस वही कंपनी है जो अच्छा सर्विस देगा, जो अच्छा सामान देगा, जो अच्छा माल देगा। ठीक है, सामान का मतलब वही चीजें हुआ। अब देखिए कंपनी की यदि बात की जाए, तो मार्केट में अभी 100 प्लस कंपनी है। कितना है दोस्त, 100 प्लस कंपनी है सर। ठीक है, मार्केट में अभी सर 100 प्लस कंपनी है। ठीक है, तो 100 प्लस कंपनी में सिर्फ 4 से 5 कंपनी ही बेटर है। क्या है, सिर्फ 4 से 5 कंपनी ही बेटर है। बेटर कहने का मतलब, इसका यदि आप लोग डिजिटल बोर्ड ले लेते हैं ये सब कंपनी का, तो आपको कभी भी टेंशन नहीं होगा। ठीक है, सपोर्ट आपको बेहतरीन मिलेगा सर। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये 4 से 5 कंपनी का डिजिटल बोर्ड को आसानी से चूज कर सकते हैं। सर कौन सा 4 से 5 कंपनी है, ये बता सकते हैं आप? देखिए क्या बोले आपको, हमेशा लोग बदलते रहता है। ठीक है, तो इसके लिए आप हमें कॉल कीजिएगा। ठीक है, जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया गया है 9973725719, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसको कि आप लोग क्रिएटर्स माइंड के नाम से ये किए हैं, सेव किए हैं अपने मोबाइल में, सेव नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि आगे चलकर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा यहाँ से आपको। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, डायरेक्ट कॉल करके भी पूछ सकते हैं कौन सा सर 4 से 5 कंपनी बेहतर है। सबसे पहले हम लोग साइज जाने, फिर कंपनी जाने, कंपनी कौन 4 से 5 बेहतर है, ये आप हमें कॉल कीजिएगा, हमारा टीम आपको बताएगा। अब देखिए तीसरा पॉइंट आता है दोस्त, तीसरा पॉइंट आता है कंपनी, तो आपको पता मान के चलिए 4 से 5 चल जाएगा कॉल करने के बाद, किससे लेना है वेंडर। ठीक है, वेंडर क्या आता है, वेंडर मतलब क्या होता है, विक्रेता, किससे आप ले रहे हैं। ठीक है, आप हमसे सवाल कीजिएगा, सर आपसे हम क्यों लेंगे, सवाल कीजिएगा। तो तीन चीज़ वेंडर में हम लोग बोलते हैं देखने के लिए। सर सबसे पहले ये देख लीजिए, वेंडर जिससे आप ले रहे हैं उसका रिव्यू कैसा है। रिव्यू कहने का मतलब, अभी से पहले हम लोग लगभग पूरा इंडिया में सप्लाई किए हुए हैं, कहीं से भी जाइएगा तो हमारा वहाँ पे स्टूडियो लगा हुआ है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, वहाँ से रिव्यू ले सकते हैं। हाँ सर, आप जो क्रिएटर्स माइंड टीम से स्टूडियो लगवाए थे तो कैसा रिव्यू है, क्या अच्छा से हेल्प कर रहे हैं नहीं क्रिएटर्स माइंड टीम, तो आप अच्छे से पूछ सकते हैं। तो क्या है, रिव्यू सबसे पहले, जिससे भी आप डिजिटल बोर्ड लेना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं हमसे ही, किसी से लीजिए तो आप उसका रिव्यू को देखिए। दूसरा क्या है, एक्सपीरियंस। आपको जैसे कि वीडियो के शुरू में भी बताए थे, यदि आप अच्छे से सुन रहे होंगे वीडियो को, तो बताए थे कई सारे टीचर्स डिजिटल बोर्ड लिए लेकिन उसको हेल्प नहीं मिल रहा है वेंडर से जिससे वो खरीदे हैं, उसको टेढ़ा ठोक के चला गया है, उल्टा पुल्टा लगा के चला गया है। तो एक्सपीरियंस जब तक नहीं होगा, हम लोग 2019 से सर ऑनलाइन काम करते आ रहे हैं, टीचर्स को हेल्प करते आ रहे हैं ऑनलाइन आने में, ऐप बना के दे रहे हैं, वेबसाइट बना के दे रहे हैं, स्मार्ट क्लास सेटअप करके दे रहे हैं, तो ये चीज़ें हैं। तो इसमें क्या है ना, एक एक्सपीरियंस है, 6 से 7 सालों से टीचर्स के दर्द को समझें, टीचर्स के पेन को समझें, टीचर्स कहाँ दिक्कत है, टीचर्स को कहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है, ये चीज़ को समझे हुए तो आप यहाँ से आसानी से चूज कर सकते हैं। अब देखिए क्या है, सबसे पहले बताया था आपको तीन चीज़ देखना है, एक्सपीरियंस, ठीक है, फिर क्या देखना है आपको, रिव्यू, फिर क्या देखना है आपको, आप ऑफिस देख सकते हैं, क्या है ऑफिस आपका जो है देख सकते हैं। ऑफिस में क्या है ना, ये सब जो प्रोडक्ट है ना सर, जब तक कि आप इसको फिजिकल नहीं देखिएगा तो आपको उस टाइप से अच्छा नहीं लगेगा, समझ में नहीं आएगा। अभी कैमरा के अंदर हमको 10 मिनट बोलना है, हम भी खुशी होकर बोल सकते हैं, ठीक, लेकिन उसके पीछे कैमरा के पीछे क्या है ये जानना पड़ेगा। ये कैसे आप जान सकते हैं सर, जब आप ऑफिस आइएगा ना मेरा, ठीक है, हर एक जगह लगभग है, इंडिया की यदि बात की जाए तो लगभग हर एक पॉइंट पे बनाया गया है ऑफिस, तो वहाँ पे आप जाके विजिट कर सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को, वो अच्छे तरीके से आपको बताएंगे ऑफिस में जो भी होंगे, कैसे यूज करना है, कैसे क्या करना है, वहाँ पे टीम को देखना है आपको, तब लगेगा जो हाँ ये चीज़ सही है, तब आपको ऑर्डर करना है। तो आप जिससे भी खरीदते हैं रिव्यू देख सकते हैं, एक्सपीरियंस देख सकते हैं, ऑफिस देख सकते हैं। अब हम लोग आगे पॉइंट पर चलते हैं, ठीक है, अब हम लोग चौथा पॉइंट पर चलते हैं, जो कि हम लोग का चौथा पॉइंट सबसे मेन है, वो है प्राइस। तो प्राइस जो है, आपको क्या बताए थे, कोई भी चीज़ जो है बहुत सारा चीज़ पर डिपेंड करता है,
नाइन्थ क्लास, एट क्लास पे डिपेंड है, सेवन्थ क्लास पे डिपेंड है, इसी टाइप से। यदि आपको गुणा सीखना है, मल्टीप्लीकेशन सीखना है, तो आपको इससे पहले क्या आना चाहिए, प्लस एडिशन आना चाहिए आपको, ठीक है। तो उसी तरह यदि प्राइस है आपका, ठीक है, प्राइस जो है ये किस पे फॉलो करता है, कौन सा आदमी से ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं, मतलब वेंडर, कौन सा कंपनी का ले रहे हैं जो बताया आपको, और कौन सा साइज का ले रहे हैं। तो अभी हम लोग साइज में चलेंगे। पहला जैसे बताया था 65 इंच का आता है, तो 65 इंच का दोस्त टोटल प्राइस जो की यदि बात की जाए, जीएसटी, इंस्टॉलेशन, आपके घर पे हमारा टीम जाएगा, इंस्टॉल करेगा, सब कुछ सिखाएगा आपको, ट्रेनिंग देगा, सारा चीज करके ये जो प्राइस बनता है सर 1,05,000 रुपया, ठीक है, 1,05,000। अब डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, 1,05,000 से शुरू हो जाता है, अलग अलग कंपनी का अलग अलग प्राइस लगता है, समझ रहे हैं इन बातों को। 75, इसके आगे हम लोग क्या चलेंगे, 75 इंच पर, 75 इंच का 1,35,000 क्या लगता है, 1,35,000 ये जो है आपका शुरू हो जाता है 1,35,000 से। इसके आगे हम लोग क्या चलेंगे, 86 इंच की यदि बात की जाए, ये आपका 2,10,000, ठीक है, इससे प्राइस आपका शुरू हो जाता है। अब डिपेंड करता है कौन सा कंपनी का आप लोग ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं, ठीक है, कहाँ से ले रहे हैं, बहुत सारा चीज़ों पे है। तो जैसे ही आप हमें कॉल करते हैं, ये एक प्राइस है, ठीक है, और आपको जैसे ही बताया था आगे का हर एक चीज़ों बताए हैं आपको, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक एक्सपीरियंस लोगों को लीजिए, एक ऑफिस जाकर आप विजिट कर सकते हैं, जहाँ भी आपका नियर बाय में, जैसे हम लोग का हर एक जगह पे ऑफिस है, आप पूछ सकते हैं आप हमें कॉल करके, ठीक है, जहाँ भी आपको अच्छा लगा वहाँ से आप अच्छे तरीके से परचेज कर सकते हैं। 9973725719 इस नंबर को आप लोगों को सेव कर लेना है, जैसा कि पहले भी बताया था आपको, अभी भी बता रहे हैं, इस नंबर पर आपको हेल्प बहुत मिलेगा, आप लीजिए कहीं से, ठीक है, आप कहीं से लीजिए, लेकिन इस नंबर पर आपको हेल्प बहुत मिलेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर टीचर्स के लिए ऐसा नहीं है सिर्फ डिजिटल बोर्ड बेचा जा रहा है, यहाँ पे डिजिटल बोर्ड दिया जा रहा है, ऐप बना के दिया जा रहा है, वेबसाइट बना के दिया जा रहा है, साथ ही साथ आपको नोट्स, डिजिटल बोर्ड पढ़ाने के लिए नोट्स कैसे बनाना है ये सिखाया भी जाता है, प्लस दूसरा बात बना के भी दिया जाता है। मतलब टीचर्स यदि अकेला है उसका टीम यहाँ पे है, ये चीज़ आप लोग को समझना है, ठीक है। तो कई सारे टीचर्स यहाँ से हेल्प लेके आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को जब देखते हैं टीचर्स जो है लाखों बच्चों को पढ़ा रहे हैं और वो टीचर्स को हम लोग मदद करते हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये चीज़ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इस नंबर को सेव कर लीजिए, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आप सभी को बेहतरीन लगा होगा।